हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रामनगरी अयोध्या को उसका प्राचीन गौरव लौटा रही केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कैलाश चौधरी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुद्वारा परिसर उत्तर राय में चल रही श्री राम कथा एवं भजन संध्या में कथावाचक युवा संत कृपाराम महाराज और गुरुवर राजा राम महाराज का लिया आशीर्वाद। प्रसिद्ध कलाकार प्रकाश माली ने दी भजनों की बेहतरीन प्रस्तुतियां। बाड़मेर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को श्री गुरुद्वारा परिसर उत्तर लाई में चल रही श्री राम कथा एवं भजन संध्या में व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक व युवा संत श्री कृपाराम महाराज और श्रद्धेय गुरुवर जी राजा राम महाराज से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी श्री राम कथा पंडाल में ही रविवार शाम को आयोजनकर्ता लूणा राम माली द्वारा अपने पिताजी स्वर्गीय गिरधारी लाल एवं माताजी स्वर्गीय श्रीमती जवी देवी की स्मृति में एक शाम माता पिता के नाम भजन संध्या में शामिल हुए। इस दौरान प्रसिद्ध भजन सम्राट प्रकाश माली एवं उनकी पार्टी ने भजनों की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अपने स्वर्गीय माता पिता को भगवान की कथा और भजन संध्या जैसे पुनीत आयोजनों के माध्यम से याद करना एक सराहनीय प्रयास है। इसके लिए लूणाराम सहित माली परिवार उत्तर लाई का हार्दिक अभिनंदन और कार्यक्रम में बहुमान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कैलाश चौधरी ने कहा कि भगवान राम सबके राम है और हमारा भारत राममय समाज है, इसीलिए आम लोगों के साथ ही नई पीढ़ी में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम आस्था व उनके चरित्र का परिचय के लिए राम कथा का आयोजन प्रासंगिक एवं आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि भारत ने दुनिया को अध्यात्म की सीख दी है। सनातन संस्कृति किसी को उत्पीड़ित करने की सीख नहीं देती है। हमारे ऋषि मुनि अपनी परंपरा को किसी पर थोपते नहीं थे, अनुसरण करने को प्रेरित करते थे। भारत भूमि पर ही ईश्वर ने हमेशा अवतार लिया है। उनके हर अवतार में मर्यादित जीवन का आदर्श मिलता है, चाहे वो भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण। श्री राम नगरी अयोध्या को उसका प्राचीन गौरव लौटा रही मोदी और योगी की सरकार। राम कथा के पंडाल में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करोड़ों राम भक्तों को सालों का इंतजार आज पूरा किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रख कर विधिवत रूप से निर्माण का कार्य शुरू करवाया। कैलाश चौधरी ने कहा कि अयोध्या को विश्व में आध्यात्मिक नगरी को उसके प्राचीन गौरवशाली वैभव के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत हैं। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के समय अब अयोध्या बदल रही है। वहाँ विश्व स्तरीय सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तेजी से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह भाजपा सरकार के शासन में ही संभव है। जब अयोध्या में प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर एक ओर से जहां सरयू नदी छोटे छोटे दीपों से जगमगाती है, वहीं भगवान राम की जन्मभूमि स्थल हजारों दीपों से रोशन होती है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।